हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। तो लेकिन मैं आप सब जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा, आज की जो वीडियोस है, जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास तौर से सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं सिर्फ वही ये वीडियोस देखें, ये जनरल पीपल के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मैं नहीं चाहता हूँ अपने वाच टाइम बढ़ाने के लिए आपका टाइम खराब करूँ। तो जो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स हैं वो ये देखें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक मेरा कज़न ब्रदर है, मतलब वो काफ़ी जूनियर है मुझसे, तो वो इंटरव्यू देने गया था। तो जब वो इंटरव्यू देने गया तो उससे जाते ही पहला सवाल उससे पूछ लिया गया कि 1 मीटर सरिये में कितना वेट होता है। तो वो बता नहीं पाया और वो उसका इंटरव्यू उसमें वो रिजेक्ट हो गया। उसके आने के बाद उसने मुझसे पूछा, इम्तियाज़ भाई ये इसका क्या, मैं जहाँ दूंगा मुझे बता दीजिए। तो खास तौर से वीडियो में उन सभी सिविल इंजीनियर्स के बता रहा हूँ जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर इंटरव्यू में ये 4-5 साल एक्सपीरियंस वालों को जरूर पूछा जाता है कि 1 मीटर सरिये में कितना वेट होता है, ठीक है। वैसे तो देखिए 8 mm के सरिये में 0.3, 10 mm के सरिये में 0.62, 12 mm के सरिये में 0.88, इस तरह वेट हर किसी का अलग अलग डाया का अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा, किसी भी चीज़ को आप रटिए मत, ठीक है ना। इसका आप समझिए कि ये इतना वेट आता कैसा, आप इसका कैलकुलेशन समझिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं हुआ क्या था कि मैं जब आज से 10 साल पहले जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था। तो जब मैंने उनको जवाब बताया तो मैंने उनको, क्योंकि मैं तो रट के गया था, तो मैंने उनको जवाब बता दिया। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया और उन्होंने मुझसे सरिये की जगह उन्होंने मुझसे बार का वेट पूछ लिया, स्क्वायर बार का। मतलब सरिया गोल होता है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि स्क्वायर बार का क्या वेट होगा। अब मैं तो उस वक्त रट्टू पोपट बन के गया था तो मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप चीज़ों को समझिए, रटिए मत। पहले मैं आपको बताता हूँ कि राउंड बार का कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वेट का किसी भी सरिए का, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको आपने पढ़ा होगा d²/162, मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। d²/162 आता कहता है, फिर उसके ये जो d²/162 आता है ये आता है kg पर मीटर के लिए, ठीक है ना। अगर कोई कब से केजी पर मीटर का वेट पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। इसी तरह कोई अगर आपसे पूछे केजी पर फिट का कितना वेट आएगा, 1 फिट में कितना वेट होता है, तो उसका भी इसमें शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। और जो मेरे साथ हुआ था, जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्क्वायर बार का क्या वेट होगा, अगर सरिया गोल ना हो स्क्वायर हो तो उसका क्या वेट होगा, तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए, आगे देखिए कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको उसका बताता हूँ पूरा तरीका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे कोई वेट ऑफ बार पर मीटर पूछे तो उसका जो थम रूल है, शॉर्टकट है, जो भी है, वो ये है। जैसे आपको काफ़ी लोगों ने बताया भैया, d²/162, ठीक है ना। ये आया कहाँ से, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, जैसे कि हमें आपको मैं बताऊँ, आपको किसी भी चीज़ का अगर वेट निकालना है, किसी भी चीज़ का वेट निकालना है, उसका जो 5th और 6th क्लास का फॉर्मूला है आपको याद होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। 5th 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और स्टील की जो डेंसिटी होती है, मैं इसकी बात करूँ, स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 kg/m³। तो मेरा मैंने इसकी जगह, इस डेंसिटी की जगह मैंने लिख दिया 7850 kg/m³, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सर्कल का आपको पता होगा, π/4 × d² वॉल्यूम, ठीक है ना, π/4 × d² × 1, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है, π/4 d² × 1 का, 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो हमने इसे कर दिया × 1, ठीक है ना। इसी तरह जब हम बात करेंगे इसको आगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो वेट इज इक्वल टू हमारा 1850 लिख दिया। और ये जो देखेंगे आप, मैंने 3000 लिखा, ये कहाँ से आया, ये मेरा 1850 kg/m³ है, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर में 1000 mm, ठीक है ना। तो 1000 × 1000 × 1000 m³ है ना, इसलिए हमने इसको 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये पर mm क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो और पाई की हमने वैल्यू रख दी 3.14, और नीचे 4 तो है, d² × 1000, जो भी मेरा यहाँ पे 1 मीटर mm ने कर दिया, तो यहाँ पे पूरा 1000 कर देंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसको मैं, ये जो मेरी फिगर है 1000 × 1000 × 1000, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1000 का क्यूब, 1850 ऊपर ही है। और इसका जो पूरा कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना, 3.14 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा इतना आ जाएगा, ये 0.785, ठीक है। और जब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँगा, तो मेरा फिगर आ जाएगा 0.006
16 डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर अभी भी डी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरा ये वाला जो फिगर आया है, ये वाली जो मेरी फिगर आई है, इसको मैं, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका क्या हुआ कि मैं इस 0.00616 अपॉन 1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकता हूँ। इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नीचे 1 लगा दिया तो, ये तो आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। ये हमने 1 लगा दिया। अब मेरा जो है, जब मैं इसको कैलकुलेट, तो आपको एक और थोड़ा सा याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम जो ये वाला, इसको अगर हमें पूरा नीचे लिखना होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये पलट जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे उस तरह करके, तो हमारा ये हो जाता है वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, थंब रूल जो निकल के आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आ रहा है आना गोल सरिया के लिए, ठीक है ना। अगर हमारा गोल सरिया है, ठीक है, और केजी पर मीटर में निकल के आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपसे कोई पूछे केजी पर फिट, केजी पर फिट में क्या निकल के आएगा, तो उसका डी स्क्वायर अपॉन 162 की जगह क्या हो जाएगा, उसका आपका बन के आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 533। कुछ नहीं करना, बस आपका जो ये जो डेंसिटी की जो मैंने लगाया था केजी पर मीटर क्यूब में लगाया था, इसको आप केजी पर क्यूबिक फिट में निकाल देंगे, तो अपने आप ही ये आपका फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा शॉर्टकट। अगर कोई केजी पर फिट पूछ रहा है कि मतलब एक फिट में कितना वेट होगा एक सरिया में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी अगर 8 का निकालना है तो 8 का स्क्वायर अपॉन 533, ठीक है ना, या फिर 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर अपॉन 162 अगर मीटर में निकालना है, अगर फिट में निकालना है तो ये वाला, अगर मीटर में निकालना है तो ये वाला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी स्क्वायर अपॉन 162 अगर आपको केजी पर मीटर में सरिया का वेट निकालना हो तो निकल के आता है। चलिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज करिए हमें 8 एमएम के सरिया का वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8 × 8 अपॉन 162, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देख सकते हैं आप, 8 × 8 इधर हो गया मेरा 64 अपॉन 162, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 162, तो 0.395 देख रहे पा रहे हैं आप। तो मतलब क्या हुआ, एक मीटर में 0.395 केजी पर मीटर वेट होता है सरिये का, ठीक है ना। हमें एक्सरे अगर 10 का करना हो तो सिंपल उसी फॉर्मूले पे डी स्क्वायर अपॉन 162 कैसे करेंगे, 10 × 10 अपॉन 162, ठीक है ना, इज इक्वल टू 100 अपॉन 162, ठीक है। अब अगर मुझे अगर करना हो तो 100 / 162 कितना आएगा, 0.617 केजी पर मीटर। देखा आपने कितना आसान है इस फॉर्मूले से याद सरिया का वेट निकालना, डी स्क्वायर अपॉन 162 सर्कुलर बार के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए आप। तो इसी तरह बहुत आसान है, अगर केजी पर मीटर में निकालना हो तो डी स्क्वायर अपॉन 162, अगर केजी पर फिट पे निकालना हो तो डी स्क्वायर अपॉन 533, ठीक है ना, डी स्क्वायर अपॉन 533। इसको फोन पे रख के आप कर देंगे 8 × 8, ठीक है, अपॉन 533, तो जो भी आंसर आएगा वो केजी पर फिट का आंसर आएगा सरिये का, ठीक है। ये था सर्कुलर के लिए, और मैंने स्क्वायर का आपको बता दिया, स्क्वायर का अगर निकालना हो तो डी स्क्वायर अपॉन 127 केजी पर मीटर, ठीक है ना, इस तरह। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने अपने, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने भी शुरुआत आप जैसे ही करी थी, फ्रेशर से स्टार्ट करी थी, तो जब मैं इसको पहली बार जब रट के गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि अगर वो सरिया गोल ना होके स्क्वायर है, सरिया क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, ये सरिया मेरा स्क्वायर है, ये मतलब गोल नहीं है, स्क्वायर है, तो इस केस में अब इसका वेट निकाल के देखा। अब मुझे तो इस चीज़ पहले पता नहीं थी, तो फिर मैंने बाद में आके अपना रिसर्च R&D करी, तब मुझे मालूम चला कि इसका पूरा डेरिवेशन आता कैसे। तो आपका जब उसका जब करेंगे कैलकुलेशन, तो उसका आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा स्क्वायर बार के लिए, डी स्क्वायर अपॉन 127 क्या निकल के आएगा फॉर्मूला स्क्वायर बार के लिए, अगर कोई स्क्वायर बार है आपका, ठीक है ना, क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 127, डी इसकी ये डी है, ठीक है ना। ये कैसे निकल के आया, इसमें भी कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीज़ है, देखिए डेंसिटी इसकी वही रहेगी, ये जो हमने सर्कल का जो हमने वॉल्यूम लगाया था ना पाई बाय 4 × d², बस यहाँ पे हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है a × b, तो हमने a को भी d माना और b को भी d माना, ठीक है ना, तुम्हारा एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे इंटू 1 कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगा देंगे बस यहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है।
बहुत सिंपल सा चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड लगाएंगे तो अगर स्क्वायर बार का वेट निकालना है तो हमारा ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्वायर का वेट निकालना है पर मीटर का तो ये आ जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन 27 kg पर मीटर। ठीक है, अगर सर्कुलर बार है तो अपना ये आएगा डी स्क्वायर अपॉन 162, ठीक है, kg पर मीटर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि kg पर फिट में कितना आएगा, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बता दिया kg पर फिट के लिए डी स्क्वायर अपॉन 533, ठीक है ना, kg पर फिट के लिए डी स्क्वायर अपॉन 533। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सपोज करिए आपका जो है, कोई अगर आपसे ये कह दे कि आपका जो बार है, जो सरिया है, वो ना गोल है ना स्क्वायर है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है ना, तो उसका आप कैसे निकालेंगे? इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। इसका आपका ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ठीक है ना। आप इसका एरिया का फॉर्मूला याद करिए, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये राइट एंगल होता, ठीक है ना, अगर राइट एंगल होता तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, ये तो याद ही होगा आपको, 5th-6th क्लास में पढ़ा। लेकिन ये क्योंकि रेक्टेंगल राइट एंगल नहीं है ये, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट थ्री बाय फोर क्या फॉर्मला होता है उसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस वाले शेप का जो 90 डिग्री नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका होता है √3/4 × d का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एरिया है, इंटू वन कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, सिमिलरली उसके 7850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी अपने आप, वो आपको मुझे बताना है कि उसका शॉर्टकट क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर बार का डी स्क्वायर अपॉन 162 kg पर मीटर, ठीक है ना, और सर्कुलर बार का ही डी स्क्वायर अपॉन 533 kg पर फिट, ठीक है ना, और आपका अगर स्क्वायर बार है तो डी स्क्वायर अपॉन 127 kg पर मीटर, ठीक है ना, kg पर मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, kg पर मीटर, ठीक है। आपको मुझे बताना है अगर इसका, मुझे जैसे मैंने ये फॉर्मूला सारे लगाए हैं, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई ट्रायंगुलर बार है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है, आप कमेंट करिए। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं इसकी इमेज क्लियर इमेज भी लगा दूंगा, थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है, ठीक है, मैं इसकी क्लियर इमेज भी लगा दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, किसी कोई दिक्कत हो मुझे फोन करके व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकता है, और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वीडियो सिविल इंजीनियर प्रेशर इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में खासतौर से उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।